श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ। वो बड़ी बेताबी के साथ इस स्वप्न को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके गुंडे अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। लेकिन गांव की जनता, नगर की जनता तो जानती है, हम आप यहाँ पर खड़े हैं, हम आप तो एक दूसरे जानते हैं, तो वह देख करके जो अभी से डराने धमकाने लगे हैं, मुझे लगता है 2022 में वो 2017 का भी आंकड़ा बचा करके रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इसमें भी मुझे शंका लगती है। श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ। वो बड़ी बेताबी के साथ इस स्वप्न को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उनके गुंडे अपराधी और माफिया जो हैं, जो जालीदार टोपी रखते थे वो जेब में रख लिए, फिर वो लाल वाली टोपी लेकर के बाहर आ गए। लेकिन गांव की जनता, नगर की जनता तो जानती है, हम आप यहाँ पर खड़े हैं, हम आप तो एक दूसरे जानते हैं, तो वह देख करके जो अभी से डराने धमकाने लगे हैं, मुझे लगता है 2022 में वो 2017 का भी आंकड़ा बचा करके रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इसमें भी मुझे शंका लगती है।